पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक चेयरमैन रमीज राजा के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि नजम सेठी की क्यादत में पीसीबी चाहता है कि वो नई मैनेजमेंट कमेटी के खिलाफ अपने बयानात पर माफी मांगे ताकि उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग कमेंट्री पैनल में शामिल किया जा सके। रमीज राजा का मद्दाहों के साथ सवाल जवाब के सेशन में कहना था कि पीसीबी चाहता है कि मैं पहले उनसे माफ़ी मांगूं और कमेंट्री के लिए दरख्वास्त दूं, जिसके बाद वो उसका जायज़ा लेंगे। उन्होंने मद्दाहों को मुखातिब करते हुए मजीद कहा था कि क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा करूँगा। ताहम अब पीसीबी के नुमाइंदे ने वाजह किया है कि रमीज राजा के कमेंट्री पर कोई पाबंदी नहीं और वो पीएसएल समेत दुनिया भर में कहीं भी अपनी कमेंट्री शुरू करने के लिए आज़ाद हैं। उन्होंने कहा कि पीसीबी की जानिब से उन पर कोई पाबंदी नहीं है और ना ही पीसीबी ने उनसे किसी बात पर मुआफ़ी मांगने को कहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पीसीबी की इंतजामी कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी भी इससे कबल मीडिया कॉन्फ्रेंसेज में इसकी वजाहत कर चुके हैं। वाज़े रहे कि पीएसएल का अगला सेशन 13 फरवरी से 19 मार्च के दौरान कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में खेला जाएगा, जिसके लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान अगले हफ्ते किया जाएगा।